Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good and friends, आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से. फ्रेंड्स, AAI का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. इसके अंदर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के ऊपर निकल के आ चुकी है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, और ये ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है. हर साल ये वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड्स, और इसका जो मेन पॉइंट होता है ना फ्रेंड्स, कि एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है, वो ये रहने वाला है कि इसमें फ्रेंड्स सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है. प्लस में यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और सिंगल एग्जाम बेस्ड है, मतलब कि आप सिर्फ एग्जाम पास करो और एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ फ्रेंड्स एग्जाम की पैटर्न, इन हैंड सैलरी, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस यूनिक गवर्नमेंट जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो चलिए फ्रेंड, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि आपको पहले भी पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आपका वैकेंसी आया है वेरियस पोस्ट पे, जिसको टोटल कंबाइन करके यहाँ पे आपको 342 सीट्स पे ये वैकेंसी रहने वाली है. तो आइए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी है. फ्रेंड्स, आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का आपका 9 सीट रहेगा, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स का 9 सीट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का 18. मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का है, जो कि 237 रहने वाला है. तो हम लोग आज की वीडियो में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही चर्चा करने वाले. बहुत ही मतलब सिंपल सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो चलिए अभी हम लोग उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में. तो आपका ये जो फॉर्म है वो अप्लाई होना आपको स्टार्ट होगा 5 अगस्त 2023 से, एंड लास्ट डेट टू आपका अप्लाई रहेगा 4 सितंबर 2023. फॉर्म की फ़ी की अगर बात करूँ तो जनरल, EWS और OBC से 1000 रुपीज़ लिया जाएगा. वही अगर आप SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से हो तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा. एज लिमिट की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन आपका 4 सितंबर 2023. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री गेन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. चाहे आपका वो डिग्री आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, डजेंट मैटर क्या आपका परसेंटेज है. हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में अभी आ रहा होगा कि मैं अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ. ऑब्वियसली कर सकते हो, बस आपका जो रिजल्ट है ना फ्रेंड्स वो आपका 4 सितंबर 2023 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. सेलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही इजी सा है. एक मेजर स्टेज पे आपका ये डिपेंडेबल रहने वाला है. जैसे कि सिर्फ आपका एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है. उसके बाद आपका सिंपल सा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या यूं बोले कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा. उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी. बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट है, किसी किसी में फिजिकल टेस्ट है, किसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, बट इसका ना सिंगल एग्जाम बेसिस है, नो निगेटिव मार्किंग. तो आइए अब हम लोग एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं.
फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में ना आपको एग्जाम का पैटर्न के बारे में कोई भी ऐसा चर्चा नहीं किया गया, ना ही एग्जाम का डेट बताया गया। बस उसमें मतलब लिखा हुआ है कि जल्द ही आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ एग्जाम की पैटर्न। अदरवाइज जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि कुछ बदलाव हुआ है तो मैं आपको वीडियो के मीडियम से यहाँ पे कन्फर्म बता दूंगी कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। फ्रेंड्स ये आपका दो पार्ट में एग्जाम होता है। पार्ट वन में आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए रहता है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। पार्ट वी में आपका रहता है 60 क्वेश्चन बेसिस ऑफ फिजिक्स एंड मैथ इन कॉन्सेप्ट, मतलब 10+2 लेवल का कॉन्सेप्ट बेसिस मैथ फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है। तो 50% वेटेज आपका पार्ट वन का रहता है, 50% आपका पार्ट बी का रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स का पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग एंड सिंगल एग्जाम बेसिस। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से मोटिवेट हो पाओ और इस एग्जाम का फॉर्म भरो और क्रैक भी कर लो। अब बारी आती है इनिशियल इन हैंड सैलरी की। तो फ्रेंड्स आपका ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सैलरी होने वाला है क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है, तो आपका 40,000 यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में दिया जाता है और जब आप रिटायर होके आते हो उस टाइम आपको 1,40,000 तक सैलरी मिलती है। तो इसमें अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और रही बात फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि आप सभी के मन में हर एग्जाम फॉर्म को लेके ये क्वेश्चन होता है कि इसका जो सेंटर रहेगा एग्जाम का वो कहाँ देगा। तो चलिए मैं अभी ही आपको कंफर्म बता देती हूँ कि एग्जाम सेंटर विल बी मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। बट आप चूज करोगे कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। सो एग्जाम सेंटर भी क्लियर हो गया, तो अब हम लोग डिपार्टमेंट एंड वर्क देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको वर्क करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑपरेशंस, कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटेरिएट में आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ सकता है। सो ये सब आपको बेसिक डिटेल है AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और समझने में फ्रेंड्स थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। अदरवाइज इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगी तो आप वहां जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको फ्रेंड्स मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, फॉलो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट को जानते रहिए। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर देना। सो यह मिलूंगी फिर से किसी न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।